हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंटू। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरीके से समझा जाता है। व्हाट बेसिकली डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और किस तरीके से प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस अगर आपको ढूंढ के निकालना, तो एक सिंपल फॉर्मूला हमने डिराइव किया, दैट वॉज एच रो जी। तो हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास, हम एक रेफरेंस मान लेते हैं, जैसे हमने अर्थ सरफेस को जहाँ पर सी लेवल होता है, हमने वहाँ अगर एक कंटेनर रखा और उसके अंदर अगर मर्क्यूरी को डाला, दैट इज योर मर्क्यूरी एच जी, और अगर उसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब डालते हैं, तो हमने ये देखा कि मर्क्यूरी का जो कॉलम है वो हमेशा 76 सेंटीमीटर हाइट पे जाके स्टॉप हो जाता है, यानी वो 76 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है। हमने उसकी हेल्प से एक फॉर्मूला डिराइव किया। फॉर्मूला था कि अगर आपको प्रेशर एक इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहाँ पे ना वो मर्क्यूरी ऊपर जा रहा है ना वो नीचे आ रहा है, हम कहेंगे प्रेशर ऑफ एच जी विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर। तो हमने प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी को कैलकुलेट किया, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी का फॉर्मूला आया, दैट वाज एच इंटू रो इंटू जी, जहां पे एच का मतलब होता है उसने कितना हाइट कवर किया, सो एच वाज हाइट। ओके, रो का मतलब होता था उसने उसका डेंसिटी कितना है सी लेवल पे, और उसके बाद जी का था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ये उनके फॉर्मूलेज थे ना। हाइट कितना कैलकुलेट होता है सर, हमने नोटिस किया कि जब भी हम उसको सी लेवल पे रखते हैं, मर्क्यूरी हमेशा 76 सेंटीमीटर ऊपर निकल के चला जाता है, या मैं इसको कह सकता हूँ 76 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का हाइट हो जाता है। डेंसिटी मर्क्यूरी का कितना होता है, डेंसिटी इज 13.596 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका डेंसिटी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है सर, सी लेवल पे अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखूं, इनवर्ट नीचे की तरफ जो फोर्स होती है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 9.806 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं, सो इट कैन बी रिटन एज 980.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन वैल्यूज की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी निकालेंगे। ये जो भी प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी आएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर, और वो जो भी वैल्यू आएगी उसको कहा जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM। सो कैलकुलेट करते हैं, सो व्हाट विल बी प्रेशर, प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी लिखूं या मैं इसको लिखूं, प्रेशर ऑफ एयर विल बी इक्वल टू H इंटू रो इंटू जी। एच का वैल्यू 70 सेंटीमीटर हमने ले लिया, रो का वैल्यू हमने लिया 13.596, मैं करेक्ट, ओके, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय जी कितना हो गया 980.6 एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टेकन। अब इसमें कैंसिलेशन करो, देखो क्या क्या कैंसिल होता है, सेंटीमीटर कट होगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा, एक बचेगा। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कुछ आंसर आएगा, पर उसमें क्या हो जाएगा, वो ग्राम्स में आएगा, नीचे कौन बचेगा, सेंटीमीटर आएगा, और मेरे पास क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर आएगा। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, एंड आंसर इज 101.3250.058 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ये जो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमें इसको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, और SI यूनिट हमारा क्या होता है, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ग्राम्स को अगर kg में कन्वर्ट करूं, तो मुझे 10^-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो दिस विल बी 101.3250.058 इंटू 10^-3 लिखना पड़ेगा, और नीचे मुझे कितना लिखना पड़ेगा, 10^-2, और ये कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। सो दिस विल बी 101.3250.058 इंटू 10^-1, एंड दिस विल बी kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे एक चीज पता है, अगर मैं प्रेशर का यूनिट देखूं, प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम आई करेक्ट, दैट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर मैं फोर्स को स्प्लिट करूं, फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड डिवाइडेड बाय एरिया को मैं लिख सकता हूं मीटर स्क्वायर, दिस विल बी मास। अब मास को आप कैसे लिखते हो, kg, एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हो, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर स्क्वायर ऑलरेडी नीचे था, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। अरे सर, इतने को ही कहा जाता है, दिस इज प्रेशर, और इसको कहा जाता है आपका 1 पास्कल, दिस इज कॉल्ड एज 1 पास्कल, या आप इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, जो कि इसका SI यूनिट है, एम आई करेक्ट। तो यहाँ से मुझे ये मिलेगा, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, एक काम करता हूँ, माइनस वन को एक डिजिट पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि माइनस वन है ना, तो 101.3250 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, अब ये हो जाएगा 058, और इसको मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दूंगा तो भी चलेगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको अगर पास्कल लिखूंगा तो भी चलेगा, SI यूनिट में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से स्प्लिट करते हैं, अगर मैं इसको और अच्छे से स्प्लिट करूं, मैं एक काम करता हूं, इस डिजिट को पीछे लेके आता हूं, और तो दिस विल बी 101.3250
ठीक है, इनटू मैं आगे के टर्म्स को निगलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि 0058 है, इनटू तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, मुझे लगता है अगर मैं देखूँ तो 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 5 डिजिट पीछे शिफ्ट किया, सो दिस विल बी प्लस 5, अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो आगे निकल के आएगा, एंड दिस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाट यू गेट इज प्रेशर ऑफ मर्क्यूरी और यू कैन से प्रेशर ऑफ एयर। सो दिस इज द फॉर्मूला जो आप डिराइव करते हो, और इतने प्रेशर को ही कहा जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूँ, सो आई कैन राइट इट एट 101.325, और यहाँ कितना हो जाएगा 10 to the power 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 to the power 3 पास्कल, मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह पास्कल लिखता हूँ, 10 to the power 3 पास्कल को किलो पास्कल कहा जाता है, सो दिस विल बी 101.325 किलो पास्कल। सर ये याद रखना। नाउ इफ somebody ask यू कि what do you mean by 1 atmosphere, तो 1 atmosphere विल बी इक्वल टू, क्या आंसर दोगे, इट विल बी 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल बोलूँ, या उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलूँ, या उसको kg मीटर सेकेंड इनवर्स सेकेंड स्क्वायर बोलूँ, एक ही बात है, दिस इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, दिस इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दिस इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी को ही 760 टॉर कहा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी विल बी इक्वल टू 1 टॉर, ये बहुत बार हम टॉर यूज़ करते हैं, आपको ये कन्वर्जन याद रहना चाहिए। सो इन शॉर्ट, आपको अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना है तो आपको ये सारी वैल्यूज़ को याद रखना होगा, ये कन्वर्जन फैक्टर्स में बहुत काम आती हैं, स्पेशली आप जब स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, या आप गैसियस स्टेट से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, तो ये प्रेशर कन्वर्जन बहुत काम आता है। मुझे उम्मीद है कि 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है ये समझ में आया, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे डिराइव करते हैं वो भी समझ में आया। थैंक यू।